नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बीबीसी द्वारा बनाई गई निर्भया पर डॉक्यूमेंट्री की। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप जी। जयदीप जी, इस डॉक्यूमेंट्री पर क्या बैन लगना चाहिए? देखिए झाला जी, जहां तक बैन का सवाल है, सरकार ने ये निर्णय क्यों लिया फिलहाल मेरी समझ से बाहर है। मुझे लगता है कि जो कांड है निर्भया कांड, 16 दिसंबर 2012 का एक बहुत दर्दनाक और शर्मनाक कांड है। पूरे देश को उसने आंदोलित किया। न वो इस देश में होने वाला पहला बलात्कार था और न आखिरी। उसके पहले इस देश में हजारों बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं और उसके बाद भी हजारों बलात्कार होते रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक अभी भी हमारे हिंदुस्तान की अदालतों में 30,000 से ज़्यादा बलात्कार के मामले जो हैं उस पर न्याय लंबित है। लेकिन ये एक प्रतीक बन गया उस लड़ाई का जो बलात्कार और यौन शोषण के खिलाफ देश में एक आवाज़ है, देश में एक डर है, देश की महिलाएं, देश का समाज, अपनी बच्चियों को बड़ा करने वाले माता पिता डरे हुए हैं कि आखिर हम किस तरह के समाज का निर्माण कर रहे हैं कि बच्ची घर से निकलती है, अपने दोस्त के साथ फिल्म देखती है और वो सुबह उनको बलात्कार होने के बाद मरी हुई अवस्था में, मतलब घायल थी, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। मुझे लगता है कि उसको लेकर हमें केवल उस मामले तक उसको सीमित नहीं रखना चाहिए और जहां तक आपने कहा उसको बैन करना चाहिए नहीं, मैंने जो उसमें दर्शाया गया उसको देखने के बाद ये सोचा कि उसको शायद पूरी संसद को बैठकर इसलिए देखना चाहिए कि निर्भया के जो आरोपी हैं उनका बचाव करने वाले वकील दरअसल क्या सोचते हैं, उस आरोपी की मानसिकता क्या है और इन वकीलों और इन आरोपियों को लेकर हमारे देश में किस तरह का माहौल तैयार होना चाहिए और किस तरह का कानून बनना चाहिए जिस देश के कुछ लोग ये सोचते हों कि एक लड़की जो है वो फूल की तरह है और उसे आप बाहर भेजेंगे तो कोई भी नोच लेगा, वो एक मिठाई का डब्बा है जिसे कोई भी सड़क का कुत्ता खा सकता है। मुझे लगता है ये ऐसे विचार हैं जो हमारे समाज के नंगे सच को दर्शाते हैं और इस सच से मुंह मोड़ने की बजाय इस सच का सामना करने का समय आ चुका है। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्री से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। देखिए, जो माता पिता हैं जो इस डॉक्यूमेंट्री में शामिल हैं, उन्होंने अपनी बेटी को खोया है और जब उन्होंने अपनी बेटी को खोया है तो फिर इससे ज्यादा दर्द किसे होगा, इससे ज्यादा ठेस किसे पहुंचेगी। मुझे लगता है कि ये जो विरोध है ये माता पिता या समाज के स्तर पर नहीं है, सरकार के स्तर पर है। सरकार के स्तर पर इसलिए है कि एक तो शायद सरकार सोती रही और जेल में जाकर जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उनके इंटरव्यू हो गए। सरकार शायद सोती रही और उसके जो कुछ अंश हैं जो शायद सरकार संपादित करना चाहती थी वो उन्हें दिखाए बगैर डॉक्यूमेंट्री की शक्ल उन्होंने ले ली। तो अगर सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस पे बैन लगाना चाहती है तो गलत है, और उसमें यदि कोई ऐसा आपत्तिजनक दृश्य है जो समाज तक नहीं पहुंचना चाहिए तो मुझे लगता है कि बीबीसी के जो लोग इसमें शामिल हैं, बीबीसी की खुद की गाइडलाइंस ऐसी होती है मजबूत कि उसके आधार पर उनको नहीं दिखाना चाहिए। अगर ये भारत की छवि खराब करती है तो इसको नहीं दिखाया जाना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये ऐसा भी मामला नहीं है कि केवल भारत की छवि का सवाल हो। ऐसा भी नहीं है कि यूरोप में या अमेरिका में या एशिया के दूसरे देशों में बलात्कार नहीं होते। अमेरिका में भी जिस तरह से बाल शोषण होता है, जिस तरह के यौन अत्याचार के मामले सामने आते हैं वो बहुत घृणित हैं, बहुत दिल दहला देने वाले हैं। लेकिन शायद वहां का समाज इसको बेहतर तरीके से लेता है, उसके साथ जीता है और वो भी अपने आप से लड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक हमारा हिंदुस्तान का समाज जहां पर कुंठाओं का स्तर, सामाजिक ऊंच नीच का स्तर वहां के मुकाबले कहीं ज्यादा गहरा है, मनभेद की खाइयां और जिस तरीके से हम अपने समाज में बच्चों को बड़ा करते हैं, मुझे लगता है कि बलात्कार अपने आप में एक बहुत सामाजिक और मनोवैज्ञानिक मसला है जिसका हल केवल कोर्ट की कचहरियों में नहीं ढूंढा जा सकता। एक दुख का पहलू यह भी है कि जब 2012 में पूरा देश आंदोलित हुआ था, आज हम 2015 में हैं, मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है और जब निर्भया की माँ ये पूछती है कि क्या हम मर जाएंगे उसके बाद भी हम अपनी बच्ची के लिए न्याय हासिल नहीं कर पाएंगे, तो ज्यादा बड़ा सवाल यह है। उस सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए बजाय कि इस तरह के बैन लगाने के। तो क्यों नहीं इस तरह के मामलों में जो सजा के लिए समय सीमा है वो तय होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। देखिए, न्याय इस बात पर चलता है कि आपको सारे सबूत मिलने चाहिए, किसी को भी केवल इस आधार पर अपराधी नहीं मान लिया जाए कि उस पर आरोप लगा है। ये हमारी जो न्याय प्रक्रिया है इसमें हमने कसाब तक को फांसी देने में इतना समय लगा दिया, कसाब के फुटेज, कसाब के विजुअल्स हमारे पास थे, हमने उसको अंतर्राष्ट्रीय अदालतों तक भेजा, हमने पाकिस्तान को सबूत उपलब्ध कराया, लेकिन हमारे यहाँ खुद अपने देश में उसको फांसी देने में हमने कितना समय लगाया, अफजल गुरु को फांसी देने में हमने कितना समय लगाया। तो इस न्याय प्रक्रिया को तेजी से चलाने की है और उसके लिए इस न्याय प्रक्रिया में जहां गैप है, जहां खाइयां हैं, जहां कमियां हैं, और मैं ये भी मानता हूं कि केवल उन आरोपियों को सजा दे देने भर से बलात्कार नहीं रुकेगा, ये बात सही है, लेकिन संदेश जाता है कि अगर आप
किसी तरह के इस तरह के यौन शोषण के या बलात्कार के मामले में शामिल होंगे तो 3 से 6 महीने में निश्चित तौर पर आप कड़ी से कड़ी सजा के हकदार होंगे। इसलिए अभी एक तो ये भी दिल में ख्याल होता है ना कि जब निर्भया जैसा कांड करने वाले आरोपी, जिसके बारे में इतने सारे सबूत हैं, जिस पर पुलिस ने इतनी तेजी से काम किया, जिसका मामला इतनी तेजी से चला, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इतनी तेजी से वो मसला उछला, जब उसमें 3 साल तक न्याय नहीं मिल सकता तो बाकी जो आरोपी हैं वो तो उनके हौसले इसलिए बुलंद होंगे कि वो सोचेंगे हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन अगर बहुत सारे मामले तो ऐसे होते हैं कि जो थानों और अदालत तक पहुंच ही नहीं पाते। इसीलिए मुझे लगता है समूची न्याय प्रक्रिया पर जो प्रश्न चिन्ह लगा है उसके जवाब ढूंढने की जरूरत है। हमारे समाज में और हमारे यहाँ पर जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनके मनोविज्ञान में गहराई तक बैठी हुई कुंठाओं के बारे में सोचने और समझने का सवाल है। हमारे समाज में बच्चियों को बड़ा करने में हम लोगों को क्यों डर लगता है उसको सोचने का सवाल है। हमने जिस तरह से एक उन्मुक्त समाज रचने की कोशिश की है जहाँ पर हर तरह की सामग्री हर किसी को उपलब्ध है, उन कुंठाओं का, उन सवालों का, बच्चों के मन में किशोर वय में उपजने वाले प्रश्नों का जवाब देने के लिए समाज तैयार नहीं है, तो केवल प्रतिबंध लगा देने भर से ये समाज नहीं सुधरेगा। इस समाज की जो समस्याएं हैं वो कई गहरी हैं और ये आँख में आँख डालकर अपनी समस्याओं से जूझने का समय है। समाज को चाहिए यदि कोई आईना दिखा रहा है तो उस आईने को देखकर हम अपने को सुधारने की कोशिश करें बजाय कि आईने को बदलने के। यदि भी एक चीज और है कि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, कई बड़े मामले होते हैं, मोमबत्ती लेकर जुलूस निकलते हैं, कुछ समय के लिए हो हल्ला मचता है लेकिन बाद में सब कुछ ठंडा हो जाता है। निर्भया के मामले में एक खासियत ये भी है कि उसकी आँच ठंडी नहीं हुई लगातार। आप देखिए कि डॉक्यूमेंट्री के बहाने से ही सही पूरे देश में एक बार फिर से उस पूरे कांड पर विमर्श चल रहा है, महिलाओं के यौन शोषण पर विमर्श चल रहा है, महिलाओं की स्थिति पर विमर्श चल रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे विमर्श के कारण कुछ ऐसे लोग भी समाज में सामने आ रहे हैं, उनकी सोच एक्सपोज हो रही है, उनकी सोच का दोगलापन सामने आ रहा है कि जो लोग इस समाज को कलंकित करने में लगे हुए हैं। जब कोई व्यक्ति जो वकील के पेशे में है और वो ये कहता है कि जो लड़कियां हैं उनको यदि बाहर निकलना है तो अपने दादा माता पिता के साथ ही निकलना चाहिए, उसे शायद ये नहीं पता कि बहुत सारी बच्चियों की ये मजबूरी है कि उनके गांव में, देहात में, कस्बे में स्कूल और कॉलेज नहीं है और वो जब पढ़ने के लिए बड़े शहरों में जाती हैं तो कोई माँ बाप या भाई या दादा उनके साथ नहीं जा सकता हर वक्त। और हम अगर ऐसा समाज रच रहे हैं कि जहाँ पर कोई लड़की अपने माँ बाप या भाई के बगैर समाज में बाहर नहीं निकल सकती तो सबसे पहले हमें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे निर्भया पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।